सोहेले बुगुंडी ने साफ सीखा स्वागत है पुख ना असगरी के इसने एपिसोड में। और भाई लोग पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था, अगर आप लोगों ने भाई पिछला एपिसोड अभी तक देखा नहीं तो जाके जरूर से देखना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और भाई लोग आज के इस एपिसोड के अंदर भाई हम लोग को अपनी आगे का गेम कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे भाई एक चीज़ हम लोग से छूट गया था वही आज हम लोग भाई कंटिन्यू करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो ये जो जगह है ना भाई, पिछली बार हम लोग ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, सो आज भाई देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। सैलोन रॉकेट फॉर ऑल योर पोकेमॉन ब्यूटी मेकओवर्स। ओके भाई, तो ये जो है ना सैलोन रॉकेट है, और यहाँ पे भाई हमारे पोकेमॉन की जो हुलिया है ना उसको बदल देंगे ये लोग, ऐसा मेरे को लग रहा है। स्लोपोक विल बी द बेली ऑफ द बॉल। ओके ओके भाई, यहाँ पे सब पोकेमॉन को हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने के लिए सब लोग लेके आते हैं। डोंट यू जस्ट अडोर अ मेड अप पोकेमॉन, आई एम गिविंग माय साइडक द वर्क्स। ओके ओके भाई, तू ये अपने साइडक को दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। व्हाट अ वंडरफुल सैलून, माय पोकेमॉन आर सिंपली स्टनिंग ऑल डॉल्ड अप इन ज्वेलरी एंड मेकअप। ओहो भाई, ज्वेलरी और मेकअप। वेलकम टू सैलोन रॉकेट वेयर वी गिव यू ड्रैप ओल्ड पोकेमॉन अ कंप्लीट मेकओवर। वी विल मेक योर पोकेमॉन अ प्रिटी मॉन। वाह भाई, पोकेमॉन से प्रिटी मॉन, वाह भाई वाह। व्हाट, यू डोंट वांट टू गिव योर पोकेमॉन अ फैशन मेकओवर। हाँ भाई, मेरे को कोई फैशन में इंटरेस्ट नहीं है भाई, क्रीम पाउडर ये सब लिपस्टिक लगा के भाई पोकेमॉन का हुलिया खराब कर दोगी तुम लोग, रहने दो भाई, नहीं जरूरत है मेरे को। मेरे पोकेमॉन जैसे भाई वैसे मेरे लिए एकदम अच्छे हैं। एक है भाई सूजीज ऑन नेचुरल पोकेमॉन सैलून, नेचुरल ये भाई थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, नेचुरल ट्रेनर टिप्स। ओके ट्रेनर टिप्स भाई एकदम बकवास होते हैं भाई, हम लोग को पता ही होते सब कुछ, मतलब ज़्यादातर हम लोग को पता होते हैं भाई, सब कुछ तो नहीं बोल सकते बट ज़्यादातर पता होते हैं। यहाँ पे भाई देखो एक वल्फिक्स है जो कि काफ़ी क्यूट लग रही है, वल्फिक्स भाई काफ़ी क्यूट है। यहाँ पे ये देखो एक लड़की है। आई ऑलवेज ब्रिंग माई चांसी टू सी सूजी फॉर ए ब्यूटी मेकओवर। ओके, तो ये अपने चांसी को हमेशा सूजी के पास लेके आती है सूजी। ओके ये भाई ये है ये लड़की। जस्ट रिलैक्स, रिलीज ऑल योर टेंशंस, देयर डन। ओके भाई, तो इसने चांसी को एकदम अच्छे से उसकी मसाज की है। ओ चांसी डार्लिंग, डोंट यू लुक प्रीशियस, थैंक्स सूजी, सी यू सून। ओके भाई, तो इसने सूजी को थैंक्स बोला, उस भाई सूजी ने उसके पोकेमॉन का मसाज किया, उसको मतलब एकदम अच्छे से उसको ब्यूटीफुल बना, तो भाई उसकी ओनर तो थैंक यू तो बोलेगी भाई। मे आई हेल्प यू। हाँ, मेरे को कुछ हेल्प नहीं चाहिए भाई। यहाँ पे ब्रॉक आ गया। ओ भाई, वैसे एनिमी अगर आप लोग ने देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि क्या सीन यहाँ पे चल रहा है। देखो ब्रॉक ना भाई सूजी को सच बोले तो पसंद करने लगता भाई। देखो ब्रॉक का तो आप लोग को पता ही है, कोई भी सुंदर लड़की देखी ब्रॉक को पसंद आ ही जाती है भाई, सीधा प्रपोज कर डालता है। एक बात बताओ भाई, ब्रॉक जैसा कोई नहीं है भाई, सामने मतलब फेस टू फेस प्रपोज कर डालता है भाई, एक मुलाकात हुई नहीं प्रपोज कर डालता है। ऐसे बंदे अगर रियल मतलब ऐसा कोई असली में करने लगे ना भाई, कितने उसकी गाल मतलब सूज जाएंगे भाई, चापड़ खा के चप्पल खा के। मतलब कोई लड़की दिखी सुंदरी प्रपोज कर डालो, ऐसे तो भाई मतलब क्या ही बोलो भाई, रियल लाइफ में ऐसा होने लगा ना तो एकदम मतलब दंगा ही हो जाएगा भाई, कुछ भी बोलो सूजी। ओके यहाँ पे ब्रॉक आ चुका है भाई। सूजी माई नेम्स ब्रॉक, नाइस टू मीट या सूजी। अर ओह, आई वाना ब्रीड लाइक यू। ओह मीन आई वाना बी ए ब्रीडर लाइक यू। वॉट आई एम रियली ट्राइंग टू से इज सूजी, आई एम बेगिंग यू टू एक्सेप्ट मी हैज योर प्यूपिल। आई डोंट हैव प्यूपिल्स ब्रॉक, ब्रीडिंग टेक्स अप ऑल माई टाइम, बट आई हैवंट हैड एज मेनी कस्टमर्स सीन दैट न्यू सैलून ओपन्ड। इफ यू आस्क मी इट्स ओनर आर अप टू नो गुड। इफ यू थिंक दे आर अप टू नो गुड देन आई विल इन्वेस्टिगेट देम, इट्स द लीस्ट आई कुड डू फॉर माई आइडियल। ओके भाई, तो जो आइडियल है ब्रॉक की वो है सूजी, मतलब कि सूजी है ना भाई ब्रॉक की, अब हीरो तो नहीं बोल सकते, हीरोइन बोलना पड़ेगा। ओके क्योंकि लड़की है। आई एम वरीड अबाउट व्हाट ट्रबल ब्रॉक माइट बी गेटिंग इनटू इन्वेस्टिगेटिंग सैलोन रॉकेट, विल यू गो सी इफ एवरीथिंग्स ऑलराइट। ओके भाई, तो ब्रॉक गया इन्वेस्टिगेट करने सैलोन रॉकेट में, मतलब जो इसके बगल में सैलोन रॉकेट। ओके तो अभी सूजी को लग रहा है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए ब्रॉक के साथ, इसके लिए उसने मेरे को बोला है कि क्या मैं ब्रॉक मतलब जाके देख सकता हूँ कि ब्रॉक के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, तो या भाई हम लोग चेक करेंगे, ब्रॉक अपना भी दोस्त है। और यहाँ पे भाई एक मिनट, ये नया रास्ता कहाँ से खुल गया भाई, रॉकेट हाइड आउट, भाई ये रॉकेट का हाइड आउट है भाई। पिछली बार जब मैं आया तो रास्ता नहीं खुला था, इस बार आया तो भाई ये एक रास्ता मिला तो मैं आ गया, और भाई ये पता चला रॉकेट हाइड आउट मतलब ये टीम रॉकेट का इलाका है। सो द ओनर्स ऑफ टीम रॉकेट, टीम सैलोन रॉकेट आर रियली फ्रॉम टीम रॉकेट। ओके भाई, तो जो सैलोन रॉकेट की ओनर से वो है टीम रॉकेट भाई, जेसी जेम्स और मियाउथ। ओ भाई क्या बात है,
बहुत ही बढ़िया भाई, एक नंबर काम किया तुम लोग ने। बट आउट ट्वेल्व एस टेक आउट टीम रॉकेट, इफ यू कुड बीट मी इन बैटल यू कैन बीट देम। ओ भाई बैटल, ओके मैन, देखो ब्रॉक ने मेरे को बोला अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो भाई इन्हें भी हरा सकते हो, तो भाई मैं इन्हें हरा दूंगा भाई। मैंने बहुत बार हराया लोग को, और यहाँ पे चार्मेलियन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे को पता है। मैं पिकाचू को भेजता हूँ, पिकाचू भाई मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, आप लोग को पता होगा भाई 40 की बात कांटो में, मतलब अभी तो अभी के लिए तो भाई पिकाचू मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है ऐसा एनिमी के अंदर, बट फिलहाल के लिए भाई मेरा पिकाचू इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन नहीं है, बट भाई एनिमी के अंदर था एज का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पिकाचू, जब तक भाई चार्मेंडर अपना 40 नहीं बनाता तब तक। बट जैसे चार्मेंडर 40 बन गया फिर वो आ गया भाई टॉप पे, और पिकाचू उसके एक कदम नीचे हो गया कांटो के अंदर। ओके भाई आप लोगों को क्या लगता है, पिकाचू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर एज का 40 मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरे ख्याल से तो भाई मतलब मैं 100% सॉरी कि 40 पिकाचू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज का। हाँ वी आर नॉट थ्रू एट हैंड ओवर पिकाचू, भाई पिकाचू को भी चाहिए भाई अभी क्या यार, मतलब पिकाचू तुम लोग भाई कभी भी मिलते हो मतलब पिकाचू को चुराना है, मतलब चुराना भाई क्या यार। यहाँ पे सूजी भी आ चुकी है भाई, माय विल पिक्स एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम, टाइम टू गिव यू अ लेसन इन ब्रीडिंग, इफ ऑल योर वरी अबाउट इज योर पोकेमोन आउटर ब्यूटी इट्स इन स्ट्रेंथ विल बी लॉस्ट, वल्पिक्स ड्रॉप देम अप विद फायर स्पिन। ओके भाई यहाँ पे वल्पिक्स आ चुकी है, और वल्पिक्स में भाई फायर स्पिन यूज किया टीम रॉकेट के ऊपर, और टीम रॉकेट भाई वापस से जा रही है हवा में, वी आर ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। ओके खत्म, देख रहे हो भाई टीम रॉकेट खत्म। ब्रॉक आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर ब्रीडिंग स्किल्स, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू लुक केयर ऑफ माय वल्पिक्स फॉर मी, राइट नाउ आई बिलीव यू कुड डू अ बेटर जॉब ऑफ रेसिंग इट देन आई कुड। थैंक यू सूजी, आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट, वी बोथ हैव जर्नीज अहेड ऑफ अस ब्रॉक, यस थैंक यू फॉर योर हेल्प, प्लीज टेक दिस एज माई थैंक्स। तो सूजी ने मेरे को ब्लू स्कार्फ दिया है, और ब्लू स्कार्फ भाई सूजी ने मेरे को थैंक्स बोलने के लिए दिया, मतलब उसने थैंक यू बोला मेरे को। गुड लक एस ब्रॉक। ओके तो सूजी जाते जाते भाई मेरे को और ब्रॉक को गुड लक बोली, और अभी ब्रॉक भाई मेरे को थैंक यू बोल रहा है, थैंक्स फॉर योर हेल्प एस मे बी वंस वी हैव बोथ गॉट इन स्ट्रॉन्गर वी कैन बैटल अगेन, गुड लक एस। ओके भाई ब्रॉक ठीक है, मैं चैंपियन वैम्पियन बन जाऊंगा फिर तेरे से वापस बैटल करने आऊँगा, एक मिनट मेरे को पूरा एक्सप्लोर करने दो, देखने दो यहाँ पे रॉकेट हाउड आउट में और भी कुछ है क्या, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। ओके कबाड़ी है भाई, मतलब पूरा कबाड़ खाना है, मतलब पूरा खाली जगह है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पोकेमोन से भाई देखने दो, एक कौन है भाई साइडक है, साय साय। ओके मियाओ भाई ये लोग से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है भाई तो यहाँ पे इतना जो काम था वो हो चुका है ख़त्म, सलोन रॉकेट टीम रॉकेट, भाई टीम रॉकेट तो कतई खतरनाक है भाई, अपना खुद का सलोन खोल ली भाई, मेरे को लगा था बाल काटने वाला सलोन होता है, बट ये पोकेमोन वर्ल्ड है भाई, पोकेमोन के वर्ल्ड में सब पोकेमोन पोकेमोन होता है, और सब कुछ भाई पोकेमोन के मतलब पोकेमोन के लिए होता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में भाई हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को भूख तो नहीं लगी है, यहाँ पे देखते कुछ हो सकता है क्या। ओके घर है भाई, मेरे को कुछ भी नहीं करना भाई, ऐश ने भी कुछ भी नहीं किया था। ओके तो चलो भाई आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और घर है भाई, नीचे भी घर है। ओके कोई बात नहीं, चेकआउट करते हैं, यहाँ पे एक लड़की है। हेलो डार्लिंग आई एम ब्यूटीफुल बेली, आई एम ए मास्टर ब्यूटीशियन, इफ यू डिड लाइक आई कैन ब्यूटीफाई योर पोकेमोन फॉर यू फॉर जस्ट द प्राइस ऑफ वन ब्लू शर्ट। मेरे पास ब्लू शर्ट तो नहीं है तो हम लोग नहीं करा सकते भाई। ओ मैंने यस कर दिया, बट कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लू शर्ट नहीं था इसके लिए हम लोग नहीं करा सकते भाई। वैसे देखते हैं अभी आगे चल के देखते हैं भाई क्या होने वाला है आज, आज तो भाई काफ़ी कुछ हम लोग ने कर लिया वैसे, बट अभी और भी कुछ करेंगे भाई, टेंशन ना लो और भी कुछ करेंगे। यहाँ पे ये क्या है भाई, एक बड़ा घर। ओके क्या है भाई, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, इसका नाम भी मेरे को दिखा नहीं एवन बाहर। ओके सेलोडन सिटी, तो मेरे को पता ही क्या भाई, सेलोडन थिएटर भाई, थिएटर है ये तो, पिक्चर उच्चर देखेंगे भाई आज तो भाई, मूवी देखेंगे आज तो, मूड बन चुका है भाई। ये क्या खाली बंद भाई, ए भाई मेरा लॉल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ओके भाई लोग तो सेलोडन सिटी के अंदर जो भी सब कुछ करना था हम लोग ने कर लिया है, सिवाय एक चीज़ की, वो मेरे पोकेमोन्स की हीलिंग अभी एक बार कर लेते भाई, उसके बाद हम लोग को यहाँ से बाहर जाना है, सेलोडन सिटी के बाहर जाना भाई हम लोग का, मतलब जो भी काम हम लोग को सेलोडन सिटी के अंदर करना था हम लोग ने भाई सभी काम कर लिया सेलोडन सिटी के अंदर, और अभी यहाँ पे कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है भाई। देखो हम लोग ने भाई मतलब कल के एपिसोड में बहुत कुछ किया था, और उसके पहले भी हम लोग ने किया था, और आज के एपिसोड में भाई हम लोग ने ये सलोन सलोन सब कुछ कर लिया है, पोकेमोन का सलोन। और ये कौन है भाई, ओके सूजी है भाई। Brock has left on his own journey to become a breeder. I am going to work harder to become a better breeder too.
ओके तो सूजी सूजी जो भाई है, ये सूजी ये भी एक लड़की है भाई, ब्रीडर है ये भी, एकदम मतलब बढ़िया काम करेगी एकदम और भी अच्छा ब्रीडर बनने के लिए। वैसे ये भाई पहले से काफ़ी अच्छी ब्रीडर है, बट ये और भी ज़्यादा हार्डवर्क करेगी और भी ज़्यादा मेहनत करेगी जो ये है भाई, उससे भी ज़्यादा अच्छा बनने की। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, मेहनत करते रहो। और ऐसा नहीं कि मतलब एक बार आपको क्या बोलते हैं भाई, एक बार आप चैंपियन बन गए तो ऐसा नहीं कि मेहनत करना छोड़ दोगे भाई। मेहनत हमेशा करो, चाहे आप कितने भी बड़े मंजिल पर क्यों ना पहुँचो, मेहनत करते रहने का। यहाँ भी क्या भाई, एक हिटमॉन चैन और मैं रुक गया। वॉट भाई हिटमॉन चैन, क्या हालचाल हिटमॉन चैन? इट्स अ वाइल्ड हिटमॉन चैन, वुड यू लाइक टू ट्राई टू कैच इट? कोशिश करने में क्या जाता है, कर लेते ट्राई, कर लेंगे भाई ट्राई कर लेंगे। ओके मैं पिकाचू से बैटल करवाऊँ क्या हिटमॉन चैन की? ओके प्राइमिक वैसे हिटमॉन चैन करा देना, वैसे प्राइमिक का लेवल कम है तो हार जाएगा भाई, बट ट्राई करने में क्या जाता है यार, प्राइमिक मेरी बात नहीं सुन रहा भाई, ना चैमिलियन सुनता है ना प्राइमिक सुनता है, ये क्या है भाई? फेंट तो फेंट हो जा भाई, यही अच्छा है, फेंट हो गया यही सही था भाई। पिजोटो भाई इसको फेंट कर देगा एक अटैक में मेरे ख्याल से। ओके भाई मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेट मी ट्राई टू कैच दिस पोकेमोन। ओके ट्राई करने में, ओके भाई इसने डॉच कर लिया, मतलब ये किसी और को पोकेमोन है तो हम लोग को फेंट करना पड़ेगा इसे। ओके फेंट हो गया ये। ओके मैंने इसको फेंट कर दिया। ये क्या भाई, इसका मास्टर आ गया? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, डोंट ड्रॉप योर पंच, कीप योर ग्लोव्स अप हिटमॉन चैन, कॉज फाइटिंग स्मार्ट हर्ट्स लेस देन फाइटिंग स्टूपिड, आई डिक्लेयर हिटमॉन चैन द विनर ऑफ दिस फाइट। कौन से फाइट की भाई? इसका नाम है एंटोनियो, एंटोनियो भाई क्या हालचाल एंटोनियो अंकल? आई एम आउट हियर ट्रेनिंग माई हिटमॉन चैन टू कम्पीट इन द P1 Grand Prix भाई, फाइटिंग टाइप पोकेमोन का वो जो चैंपियनशिप है वो भाई, एनी फाइटिंग पोकेमोन ट्रेनर वर्थ हिज सॉल्ट विल बी इन द टूर्नामेंट। यहाँ पे भाई रेबेका आ चुकी है, इसकी बेटी डैडी। सो भाई यहाँ पे रेबेका आ चुकी है, और अगर आपने एनिमी देखा होगा तो ये वाला भी सीन आपको पता होगा भाई, एकदम मतलब आप अभी देखो आगे जो होने वाला भाई एकदम कमाल होगा, और आके आज हम लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा भाई, ये समझ जाओ कि एक चैंपियनशिप बैटल होने वाली है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रेबेका डैडी प्लीज क्वाइट पोकेमोन ट्रेनिंग एंड कम होम विद मी, आई वॉन्ट कम होम अंटिल आई बिकम चैंपियन इन द ग्रैंड प्रिक्स, बट डैडी आई विल बी इन द जिम टॉकिंग ऑन चैलेंजर्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके भाई तो जिम के अंदर गए और ये हमारा इंतजार करेंगे। आई एम रियली सॉरी माई फादर बॉर्डर यू, कैन आई आस्क अ फेवर ऑफ यू? अ रियली रियली बिग फेवर, लेट्स डिफीट माई फादर्स हिटमॉन चैन, माई फादर ट्रेनिंग नॉन स्टॉप टू विन द P1 चैंपियनशिप, इफ यू बीट हिम ही विल कम टू हिज सेंसेस एंड कम होम, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। भाई मेरे को कुछ ऑप्शन नहीं मिला, मतलब मेरे को हेल्प करना ही पड़ेगा। ओ भाई ये, अरे भाई साहब मैं नीचे से जाने की सोच रहा था, बट इस अंकल ने मेरे को पकड़ लिया, और अभी बैटल कर लेंगे भाई। चैमिलियन को मैंने आगे रख के बहुत बड़ी गलती की है। मैं काम करता हूँ भाई, मेरी हीलिंग तो हुई नहीं अभी पोकेमोन की, तो अभी कोई बात नहीं मैं हीलिंग करा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हीलिंग कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके लिए। ओके यहाँ पे ये सब पोकेमोन भाई सभी ट्रेनर लोग हैं, एक काम करता हूँ अभी के लिए मैं लोग को भाई, मतलब अभी ये लोग से बैटल नहीं करूँगा ना, अपना एपिसोड भाई लंबा हो जाएगा, बट भाई हम लोग ना मैं इनसे ऑफ वीडियो भाई बैटल कर लूँगा, और उससे मेरे पोकेमोन भाई थोड़े बहुत अच्छे खासे लेवल के हो जाएंगे, मतलब उनका एक दो लेवल तो अप हो ही जाएगा। और यहाँ पे रेपेल मेरे पास नहीं है क्या? लेट मी सी नीचे देखता हूँ भाई, रेपेल तो होंगे ना, ऐसे कैसे भाई रेपेल? ओके रेपेल है मेरे पास, 9 रेपेल है। हमें पोकेमोन को हील कराऊँ कि ना कराऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा भाई, अगर ऊपर ना मतलब यहाँ पे अगर कहीं पोकेमोन सेंटर हुआ तो नहीं कराऊँगा हील, और अगर नहीं हुआ तो भाई वापस जाके हील कराना पड़ेगा, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। मेरे ख्याल से भाई पोकेमोन सेंटर तो होगा ना। ओके यहाँ पे ये क्या भाई, ये कौन है लड़की कौन है? दिस इज द P1 चैंपियनशिप, यू आर ओनली वर्थी ऑफ एंटरिंग इफ यू कैन बेस्ट मी इन बैटल। बेस्ट क्या होता है भाई, बीट मी होगा ना, बेस्ट मतलब समझा नहीं, बीट हो सकता है। माँ चौंप भाई, चैमिलियन को मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा, बट कोई बात नहीं इस बार मैं यूज़ करूँगा इसको। फायर स्पिन, ओके जब तक इसको कोई अटैक नहीं मारेगा तब तक इसकी अकल ठिकाने पे नहीं आती। ओके भाई इस बार इसने अटैक किया फायर स्पिन, और सामने वाली पोकेमोन की भाई इसने वाट लगा दी एक ही अटैक में। ओके भाई ये बात सुनता नहीं वरना भाई इसके सामने टिक ही नहीं पाती ये लोग, बट कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं। जियो डूड के ऊपर हम लोग करेंगे एम्बर, साइसमिक टॉस करके देखती, लोफिंग अराउंड। वाह भाई वाह, यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो बैटल करने में इंटरेस्ट नहीं है तेरे को? तेरे को तो भाई चैमिलियन में पटक पटक के मारूंगा भाई, तेरी और मेरी दुश्मनी अभी चालू हो गई है भाई। चैमिलियन भाई मतलब मैच के दौरान सो गया, अरे भैया क्या मतलब बेशरम चैमिलियन भाई, तेरे को क्या ही बोलूँ मैं भाई, इतना ज़्यादा बेशरम हो गया तो भाई बैटल में सो गया यार।
ओके भाई चलो, इसको अभी इसको ना भाई बहुत डैमेज पहुंच चुका है, तो अभी थोड़ा बहुत अटैक तो करेगा भाई, पहले से तो थोड़ा बहुत अटैक कर ही रहा है, बट अभी वो भी छोड़ दिया भाई इसने। अरे यार तू सुधर जा यार, सुधर जा भैया चामिलियन, सुधर जा, तुम लोग को बहुत परेशान करेगा मेरे को पता है भाई। अपन को बहुत फिर से सो गया, अब तो देखो मैं हटा ही देता हूँ भाई बैटल से। अपना अपने पास भाई ब्लास्टोइस है जो कि अपनी बात हमेशा मानता है, और अभी ब्लास्टोइस की बारी है भाई। वाटर गन काफ़ी है भाई, भाई एक अटैक में माचो को फेंट कर दिया इसने बहुत बढ़िया। एक और माचो भाई, आ जा भाई। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। वैसे एक बात बताओ क्या, द चैंपियनशिप इज अंडर वे, यू कैन एंटर नाउ। ओके भाई, तो अभी चैंपियनशिप चालू होने वाली है और हम लोग अंदर जा सकते हैं, बट एक काम करके आते भाई लोग, मैं अपने पोकेमोन्स को हील करा के आता हूँ, क्योंकि हीलिंग के मामले में काफ़ी बेकार हूँ, अब मैं पोकेमोन्स भाई अभी सब थके हुए तो मैं हील करा के आता हूँ। तब तक भाई आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दो, और मैं हील करा के आता हूँ अपने पोकेमोन्स को। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने पोकेमोन्स को करा लिया हील, और अभी हम लोग चलते भाई अंदर, और यहाँ पे भाई अंदर आते ही एक अंकल है, वेलकम टू द पोकेमोन नंबर 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, आई एम सॉरी बट यू कैन ओनली एंटर 1 पोकेमोन इन टू द चैंपियनशिप, यू कैन यूज़ द कंप्यूटर इन द कॉर्नर टू स्टोर योर अदर्स, जस्ट रिमेंबर यू मस्ट यूज अ फाइटिंग पोकेमोन टू कम्पीट। भाई तो हम लोग भाई पूरे टूर्नामेंट में एक ही पोकेमोन यूज़ कर सकते हैं, और भाई अंदर टीम रॉकेट भी, और 1 2 3 टीम रॉकेट के 2 4 5 6 लोग हैं भाई, 6 लोग लिटरली भाई 6 लोग भाई, आज तो मज़ा आएगा भाई, आज तो मज़ा आने वाला है। वैसे भाई मेरे को अपने सभी पोकेमोन्स को भाई मतलब पीसी के अंदर डालना पड़ेगा, सिर्फ मैं एक ही पोकेमोन यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे पास एक ही पोकेमोन पता है कौन सा है, वो है भाई अपना, मतलब समझ रहे हो ना अपना कौन सा है भाई, अपना है भाई वो है प्राइमिप, और प्राइमिप के अलावा मैं किसी और को भाई यूज़ नहीं कर सकता, मैं पागल हो गया पता है क्या, मेरे को डिपॉजिट करना चाहिए फटाफट हो जाएगा। चल भैया ब्लास्टोइस आइविसोर और भाई पिजियोटो तू भी जा भाई, अभी हो गया कहानी ख़त्म, और अभी मैं जा सकता हूँ क्या अंकल? ओके हाँ, सो यू हैव अ फाइटिंग ए पोकेमोन, वेरी वेल लेट द कॉन्टेस्ट बिगिन। तो भाई यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो चुका है, सो यू अपना पहला बैटल, हाँ योर फर्स्ट अपोनेंट साल बी योर लास्ट। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ना ले तू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माचो भाई पहला ही पोकेमोन भाई, लेवल तो बराबर है हम दोनों का, कराटे भाई ये तो मेरी बात सुन रहा नहीं है भाई, मैं जीतूंगा कैसे यार, मैं कैसे जीतूंगा भाई, क्रिटिकल हिट, नहीं 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 फेंट मत होना भाई, फेंट मत होना भाई, बिल्कुल भी फेंट मत होना। ओके मैंने इसको हरा दिया भाई, ओफ आई गिव अप। ओके भाई तो इसको मैंने हरा दिया। वॉट इट सीम्स प्राइमिप इज इम्प्रेस्ड विद हाउ यू केयर्ड फॉर इट इन बैटल। ओके ये एनिमी का सीन है भाई, गेम के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर आप लोगों ने एनिमी देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइमिप भाई जब अपना फर्स्ट बैटल करता है इस चैंपियनशिप में, तो उसको जो माचोम रहता है भाई उठा के फेंक देता रिंग के बाहर, बट वो उसको ऐश गिनने नहीं देता, उसको बचा लेता है। फिर भाई वो प्राइमिप देखता है कि ऐश भाई मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है, मेरी केयर करता है, तो फिर भाई वो ऐश की बात मानने लगता है, बट उससे पहले वो ऐश की बात नहीं मान रहा था, बट जैसे उसने देखा कि ऐश भाई मेरा कितना केयर करता है, फिर वो खुश होकर ऐश की बात मानने लगा। तो वही सीन भाई यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है, प्राइमिप अपीयर्स टू रिस्पेक्ट योर यू नाउ। ओके भाई तो प्राइमिप अभी अपना रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइमिप इज पम्प्ड अप टू द विन टू विन द कंपटीशन। तो भाई प्राइमिप के अंदर अलग सा एकदम मतलब जुनून आ चुका है कि वो भाई आज जीत के रहेगा। आई गेस आई एम नॉट P1 मटेरियल, हाँ भाई सही बोला, तो P1 मटेरियल नहीं है। ओके अभी क्या होगा, लेट राउंड टू बिगिन। राउंड टू भाई ऐसे तो मैं हार जाऊँगा, आई वॉन्ट लूज वॉच एंड सी, भाई ऐसे मैं हार जाऊँगा यार। अरे भाई मेरे को हीलिंग वीलिंग कुछ कराने नहीं दे रहे हो यार, मेरे पोकेमोन का लेवल भी कम है भाई इसके पोकेमोन के लेवल से। एक मिनट सुपर पोशन यूज़ किया मैंने, नहीं 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 भाई नहीं, मेरे को जीतने दे भाई जीतने दे, लो किक मारूँ, लो किक मारता हूँ। ओके डैमेज काफ़ी सही वाला पहुँचा है। ओके कराटे चॉप, ओके फेंट होने वाला है, ये फेंट होने वाला है भाई। सुपर पोशन भी भाई मैंने यूज़ कर लिया, मेरे पास है कि नहीं मेरे को वो भी नहीं पता, होना चाहिए भाई होना चाहिए। ओके इसको मैंने फेंट किया, माचॉक को फेंट किया भाई। ओके आई गेस आई वॉज एंड प्रिपेयर टू बी ए P1 चैम्पियन, सही बोला भाई सही बोला। लेट राउंड 3 कमेंस। ओके भाई राउंड 3, ओके यार आई हैव ट्रेंड फॉर दिस मोमेंट माय एंटायर लाइफ, आई एम डेस्टिनाइड टू बी द P1 चैंप। ओके भाई सभी लोग को चैंपियन ही बनना, बट ऐसे कैसे हो सकता भाई, सब लोग थोड़ी ना चैंपियन, भाई इसके पास मार्च चैंप है भाई, मेरे को डर लग रहा है पता है क्यों, क्योंकि मेरे पोकेमोन की हालत पतली हो चुकी है, और सैस्मिक टॉस नहीं 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 भाई इसको मैं फेंट कैसे करूँगा यार, कराटी चॉप से, इसका लेवल भी ज़्यादा भाई मेरे प्राइमिप के लेवल से भाई, ख़त्म यार भाई मेरे प्राइमिप का लेवल कम था इसके लिए भाई मैं हार चुका हूँ। एक काम कर दो भाई लोग, मैं अपने पोकेमोन मतलब प्राइमिप का लेवल ना उसका थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, और अभी आप लोग एक काम करता हूँ भाई, थोड़ी ट्रेनिंग करके अपने प्राइमिप का लेवल अप कर देता हूँ,
कम से कम उसका लेवल में 28-29 कर देता हूँ, जिससे कि भाई हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगी बैटल में। तो भाई लोग अभी मैं उसका लेवल अप करता हूँ, तब तक आप लोग भाई वेट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी मैं थोड़ी ट्रेनिंग करके उसका लेवल अप करता हूँ भाई, फटाफट लेवल अप करता हूँ, ठीक है। सो भाई लोग यहाँ पर मैंने अपने प्राइमअप का लेवल अप कर लिया है, देखो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की, उसके बाद भाई प्राइमअप का लेवल अप हो चुका है 28 का, मैंने इसको कर दिया। और अभी भाई मैंने ना थोड़ी शॉपिंग भी की है, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, मैंने थोड़े सुपर पोशंस खरीद लिए, जो कि हम लोग भाई बैटल के दौरान यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो भाई हम लोग को आइटम्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और यहाँ पे फटाफट हम लोग बैटल करते हैं, देखो ये सब बैटल मैंने पहले ही कर लिए, बट भाई मैं हार गया था बीच में, इसके लिए भाई मेरे को वापस करने पड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं भाई, इस बार हम लोग भाई साहब इस बार मैं इनको फेंड कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस बार मेरे प्राइमअप का लेवल 28 है, और इनकी पोकेमॉन का भाई जो तीसरे नंबर पे जो आया था ना भाई, उसकी पोकेमॉन का लेवल था 25, तो इसके लिए भाई मैंने अपने प्राइमअप का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि आगे और भी ट्रेनर्स हैं और उनकी पोकेमॉन का लेवल भाई हमारे प्राइमअप के लेवल से भी ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बट कोई बात नहीं भाई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हराने की, ये लोग की मतलब ये लोग की वाट लगा देंगे भाई आज, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे भाई जीतने की, और देखते क्या सीन होगा। वैसे मैंने दो लोग को हरा दिया, और भी यहाँ पे तीसरा मेंबर आ रहा है भाई, इसके पोकेमॉन का लेवल होगा 25। ओके माचैम्प भाई वो यही है भाई, माचैम्प ही है, लोकिक से काफ़ी अच्छा डैमेज पूछा, रिवेंज नहीं भाई मेरे को यूज़ करने, तो भाई सुपर पोशन ना इस बार भी मैं हार जाऊँगा, मेरे को पता है, अगर मैंने यूज़ नहीं किया होता तो भाई इस बार भी मैं हार जाता। कराड़ी चौंप भाई ओके फेंट होने वाला भाई, ओके भाई इसने फोर साइड किया है, और ये भाई फेंट होते होते बच गया भाई, नहीं यार भाई लिटरली देख रहे हो, किस्मत थोड़ी सही थी मैं बच गया, वरना भाई आज तो मैं गया था, नहीं 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 भाई नहीं, ओके भाई चलो माचैम को मैंने फेंड किया, क्रिटिकल हिट लगा भाई साहब, देख रहे हो भाई जान में जान आ गई, मतलब इसको हराने के बाद, काफ़ी खतरनाक बंदा था। आई मस्ट बाव टू योर स्किल्स, ओ भाई सही बोला सही बोला, मेरे स्किल्स का सभी तारीफ करेंगे। बिगिन द सेमीफाइनल राउंड, भाई सेमीफाइनल शुरू हो चुका है, यहाँ पे टीम रॉकेट आ चुकी है भाई, वी कांट वेट फॉर अ चांस टू शो यू गुडी गुडी वॉट अ लूजर यू आर, वी स्टोल दिस पोकेमॉन स्पेशली टू विन द चैंपियनशिप बेल्ट। तो भाई उन्होंने एक पोकेमॉन चुराया भाई इस चैंपियनशिप बेल्ट को जीतने के लिए, ओ भाई टीम रॉकेट क्या काम करते हो यार तुम लोग, चोरी तो भाई तुम्हारे खून में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती है भाई, क्या ही बोलूँ मैं, वी आर गोइंग टू बी द विनर्स अराउंड हियर, ऐसा तो नहीं होने दूंगा भाई, टेंशन ना लो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, विनर तो मैं ही बनूंगा भाई। लेवल 28 उसे 28 भाई, इनके पास है हिटमॉन ली, काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन भाई हिटमॉन ली, मानो या ना मानो बहुत तगड़ा पोकेमॉन, मैं प्यूरी साइड ट्राई करता हूँ, एक दो भाई दो ही मार लगा भाई, नहीं 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 भाई ब्रिक ब्रिक मारा इसने भाई अटैक में, नहीं नहीं भाई भाई मेरे पोकेमॉन का अटैक मिस क्यों हो जाता है यार, मेरे को समझ में नहीं आता है, नहीं भाई हाई जंप की बहुत डैमेज देता है, कराटे चॉप काफ़ी कम डैमेज दिया, ओके भाई मैं यूज़ करता हूँ सुपर पोशन यूज़ करता हूँ ना फिर से भाई, कहीं प्राइमरी फेंड हो जाए तो अपनी वाट लग जाएगी यार, नहीं भाई नहीं, इतने मुश्किल से भाई हम लोग यहाँ पे आए, ओके भाई नहीं वापस से यूज़ करना पड़ेगा सुपर पोशन, ओके सुपर पोशन मैंने खरीद लिया, नहीं काफ़ी सही वाली बात है, वरना आज भाई हमारी वाट लग जाती है यहाँ पे, ओके भाई तो फाइनली भाई मैं जीत चुका हूँ, और अगर मेरे पास सुपर पोशंस नहीं होते तो भाई मैं हार जाता, इसकी तो भाई पूरी गारंटी है, आई गिव अप, ओके भाई टीम रॉकेट भाई हमेशा हारते हैं, इस बार क्या इसमें कुछ नया नहीं है भाई, वो लोग हमेशा हारती है, बट इस बार ना वो लोग ने एक नया पोकेमॉन चुराया था, जो कि हिटमॉन ली था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन था, बट भाई वो लोग के नसीब में ही हारना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी मे हैव लॉस्ट द फाइटिंग टूर्नामेंट बट यू हैवेंट हर्ट द लास्ट ऑफ अस, वी आर ब्लास्टिंग ऑफ अगेन, ओके भाई फिर से फेल हो गए, मेरे को पता था, लेट द फाइनल्स ऑफ द P1 ग्रैंड प्रिक्स बिगेन, फाइनल भाई फाइनल तो, सो यू मेड इट टू द फाइनल दैट्स प्रिटी इम्प्रेसिव बट यू वॉन्ट गेट एनी फर्दर, भाई मेरे ख्याल से एनिमी के अंदर फाइनल हुआ था टीम रॉकेट के साथ, बट यहाँ पे एंटोनियो के साथ हो रहा है भाई, गलत बात भाई गलत बात, एनिमी की तुम लोग को भाई इज्जत ही नहीं है, ये गलत बात है, बट क्या कर सकते भाई हम लोग, थंडर पंच भाई काफ़ी कम डैमेज पहुँचा जो कि अच्छी बात है, ओके फायर फन से भी भाई उतना ही, ओके भाई तो हम लोग ने भाई हिटमॉन चैन को भी फेंट कर दिया, और फाइनली भाई हम लोग चैंपियन बन गए, हो भाई फाइनल्स थे ये, आई लॉस्ट टू अ वर्थी अपोनेंट, यू डिजर्व द P1 चैंपियनशिप एज नाउ आई कैन गो बी विद माई फैमिली एंड स्टॉप ऑल दिस टफ ट्रेनिंग अनटिल नेक्स्ट ईयर, ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री इन द P1 ग्रैंड प्रिक्स, प्लीज एक्सेप्ट दिस प्राइज, तो भाई ये लोग ने मेरे को ब्लैक बेल्ट दिया है भाई, ब्लैक बेल्ट जो कि जीतने के बाद मिला हम लोग को, यहाँ पे रेबेका भी आ चुकी है भाई, थैंक यू सो मच, नाउ माय डैडी कैन बी विद अस हैज अ फैमिली अगेन, ओके भाई तो अब इसके जो डैडी है एंटोनियो भाई घर जाएंगे भाई, घर पे रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो रेबेका ने भाई हम लोग को थैंक यू बोला है, यस आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द प्राइमिप, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ नेचुरल फाइटिंग टैलेंट,
Why don't you let me train it for a while? I promise to turn it into a real P1 champion. तो भाई ऐश ने दिया था एनिमी के अंदर, तो मेरे को भी देना ही पड़ेगा. Now say look your prime egg to give to me. Well, you can't give me your only Pokemon. Better get out of storage first. तो भाई पहले मेरे को अपने सभी पोकेमोन्स को भाई विड्रॉ करने दो जो कि मेरे को पीसी के अंदर रखने पड़े थे इस भाई फाइटिंग के चक्कर में, ग्रैंड प्री के चक्कर में. भाई P1 चैंपियनशिप भाई ग्रैंड प्री एकदम सही वाला है. बट अभी देखो मैंने अपने सभी पोकेमोन्स को विड्रॉ कर लिया और अभी मेरे को अपने प्राइमिंग को देना भाई. और अभी देखो जो अपना प्राइमिंग भाई हम लोग ने उसको एंटोनियो को दे दिया और अभी हम क्या ही कर सकते. बट ठीक है भाई कोई बात नहीं. थैंक्स एस, आई विल टर्न प्राइमिंग इनटू अ रियल चैंप, यू विल सी. ओके भाई तो अपना जो प्राइमिंग पे प्राइमी टी एस आर विलिंग अप इन इट्स आइस नोइंग दैट इट हैज़ टू से गुड बाय. भाई गुड बाय प्राइमी भाई, मेरे को भी काफ़ी बुरा लग रहा है. बट भाई तू अब जब अगली बार मिलेंगे ना भाई तू एकदम अच्छा वाला चैंपियन बन जाना और तेरे को चैंपियन बनता देख मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी. आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन माई फैमिली नाउ डेट द P1 हैज़ एंडेड. ओके तो इसने मेरे को थैंक यू बोले. ओके कोई बात नहीं. देखो भाई लोग अपना जो प्राइमी पे उसको भाई हम लोग को देना पड़ा, इसको मतलब एंटोनियो को देना पड़ा भाई, देना ही पड़ता क्योंकि ऐश ने भी एनिमी के अंदर दिया था. बट कोई बात नहीं भाई. और भाई एंटोनियो ने हम लोग को बोला कि भाई अपने प्राइमी को एकदम असली वाला चैंपियन बनाएगा, मतलब इससे भी बड़ी टूर्नामेंट में उसको लेके जाएगा और उसको भाई जिताएगा. मतलब अब काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा भाई कि अपना प्राइमी भाई बड़ा चैंपियन बनेगा. तब इससे खुशी की बात एक पोकेमोन के लिए और उसके ट्रेनर के लिए क्या हो सकती है भाई कि उसका पोकेमोन चैंपियन बन रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई. इसके लिए मैंने प्राइमिंग को छोड़ दिया एंटोनियो के पास. और भाई लोग आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. आई होप सो कि सभी को एकदम बढ़िया लगा होगा. और अगर आपको अच्छा लगा तो भाई एपिसोड को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोज़ देखने के लिए. और बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को.